कई बार ऐसा होता है कि जो जाता है वो भी बहुत सोच समझ के जाता है। सर लगभग 35-40 साल मेरी उम्र होगी सर, और यही चौकी में आते आते हैं, लेकिन सर आज तक तीसरे दिन से चौथा दिन नहीं हुआ है, तो कोई केस ऐसा हुआ नहीं है जो ना बुलाओ। लेकिन इस केस में सर 20-21 दिन हो गए और अब तक भी केवल मामला जीरो पर ही है सर, जो पहले दिन हम आए थे वही है सर। जहाँ पर यदि मान लो मैं हूँ, यदि मैं अपने आप को छुपाने लगूंगा तो आप कितने लोग आ जाओ नहीं छुपाओ, लेकिन यदि मैं अपने को नहीं छुपाऊंगा तो हो सकता कहीं ना कहीं कमियां फिर रहेगा, फिर पकड़ते हैं आप सर। हमें जानकारी मिल जाएगी, वो लड़की गायब हो गई थी तिल्ले वाले गांव से, उसके बारे में जानकारी दीजिए, उसमें आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास। देखिए तिल्ले वाला गांव की एक लड़की जो नाबालिग है, वो कुछ दिन पहले करीब 20 दिन हो चुके हैं, वो एक लड़के के साथ में गई है और उसके द्वारा फेसबुक पर भी कुछ फोटोज अपलोड किए गए हैं। लड़की नाबालिग है और इसके लिए पुलिस थाने मुकदमा पंजीकृत है, पुलिस द्वारा उनके गिरफ्तारी के लड़के की गिरफ्तारी और उनकी बरामदगी के लिए अभी तक काफ़ी भरसक प्रयास किए हैं, लेकिन उनके द्वारा जाते समय अपनी मोटरसाइकिल भी लड़के द्वारा बेच दी गई, मोबाइल उसके तीन फ़ोन थे, तीनों फ़ोन बेच दिए गए, और उसके अतिरिक्त वो लड़का और लड़की जो है वो बिना फ़ोन के हैं, उनके द्वारा जो भी नया सिम लिया गया वो फेसबुक की आईडी वगैरह हम निकलवा रहे हैं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फेसबुक अपनी इसका आईपी एड्रेस वगैरह बताने में थोड़ा समय ले रहा है। हमने 3 बार फेसबुक को रिमाइंडर भेजा है और सर्विलांस के थ्रू और साइबर सेल के थ्रू हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो मैनुअल है, जो जिनके द्वारा शादी कराई गई है नाबालिग लड़की की और या इसके परिजन हैं जो लड़के के, उनके द्वारा यदि सहयोग इसमें किया गया है तो वो उस एंगल पर भी हम जांच कर रहे हैं। यदि इसमें ऐसा पाया जाता है इनका इन्वॉल्वमेंट गलत तरीके से शादी करना या कराना या भगाना, तो इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।